लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मॉनसून शुरू होते ही सब्जियों ने दिखाए तेवर, भाव पहुंचे आसमान पर, वहीं हर थाली की पसंद आलू रुपए 10 से बढ़कर 25 से 30 रुपए तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा उछाल टमाटर पर दिख रहा है। कुछ समय पहले तक 30 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाला टमाटर आज 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। मॉनसून शुरू होते ही दिल्ली में सब्जियों की कीमतों में एकाएक बढ़ोतरी हो गई है। हरी सब्जियों को तो छोड़िए, सभी जरूरी सब्जियों के दाम दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। बाजार में मिलने वाला प्याज 15 रुपए से बढ़कर 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं हर थाली की पसंद आलू रुपए 10 से बढ़कर 25 से 30 रुपए तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा उछाल टमाटर पर दिख रहा है। कुछ समय पहले तक 30 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाला टमाटर आज 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह दूसरी सभी सब्जियों में 20% से लेकर 60% तक दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। यही वजह है रसोई का बजट सब्जियों ने एकाएक बढ़ा दिया है। बारिश ने बढ़ाई सब्जियों की कीमतें। दरअसल सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि एकाएक बढ़ोतरी के पीछे बारिश है। सब्जी विक्रेता कहते हैं कि मानसून आने से जो बारिश शुरू हुई है उसकी वजह से सब्जियां खराब होने लगी हैं। होलसेल मंडी के जानकार बताते हैं कि इस वक्त दिल्ली में सामान्य से 20% तक गाड़ियां कम आ रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में उछाल देखा गया है। दोगुनी मार्च झेलते किसान, चांदी काटते बिचौलिए। दरअसल जहां एक तरफ बारिश की वजह से किसानों की फसल पर असर पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगे ट्रांसपोर्ट खर्च ने किसानों का मुनाफा और कम कर दिया है। आलम यह है कि किसान कहते हैं कि मुनाफा तो दूर, उन्हें उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राहक और किसान के बीच में कड़ी बनने वाले व्यापारी जमकर मुनाफा कमा रहे हैं।